Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our geography lecture series, that is Indian geography series, uska aaj lecture second hai. To chaliye, yaad hoga aapko last lecture mein we have done the general introduction of India. To wo pura complete nahi hua tha. To aaj hum general introduction jo India ka hai usko complete kar denge. Kya dekhenge general introduction mein aaj mainly jo discuss karna hai wo frontiers of India hai. Important part hoga. To chaliye start karte apne is lecture ko. Last time aapko yaad hoga हम डिस्कस कर रहे थे मैरिटाइम बाउंड्रीज, ठीक है. उसमें मैंने आपको एक डायग्राम बताया था. उसमें व्हाट वी हैव डिस्कस टेरिटोरियल वाटर, वी हैव डिस्कस कंटिगियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड. ये हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा. मैंने आपको बताया था डायग्राम के थ्रू कितने डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस तक ये एरियाज हैं, ठीक है. जिससे लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले आप वो लास्ट लेक्चर जरूर देख लें, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैरिटाइम बाउंड्रीज में पहला है इंटरनल वाटर. ये इंटरनल वाटर क्या होता है, याद रखिएगा. याद है मैंने एक बेसलाइन बताई थी, जहां तक समुद्र का पानी आ पाता है, सी का पानी आ पाता है, उस लाइन को अपन बेसलाइन मानते हैं, ठीक है. तो इस बेसलाइन से लैंड साइड में जितना भी वाटर होता है उसे अपन कहते हैं इंटरनल वाटर, याद रखिएगा. बेसलाइन से लैंड साइड में, ठीक है. तो वही मैं लिखा, ऑल वाटर एंड वाटरवेज ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेसलाइन, मतलब बेसलाइन से किस साइड, लैंडवर्ड साइड पे, उस एरिया को अपन क्या कहते हैं, इंटरनल वाटर. याद रखिएगा, इन इंटरनल वाटर में कंट्री फ्री रहती है टू सेट देयर ओन लॉस, अपने हिसाब से लॉस बना सकती है उस वाटर पे, ठीक है. और नो फॉरेन इंटरफेरेंस, कोई भी फॉरेन कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट जो डिस्कस करना था वो था टेरिटोरियल वाटर. याद होगा आपको, बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक मैंने आपको बताया था, दैट इज टेरिटोरियल वाटर. तो वही मैंने लिखा, बेसलाइन टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है. याद रखिए, यहां पर भी जो कंट्री रहती है, जिस कंट्री का ये होगा टेरिटोरियल वाटर, वो भी फ्री है टू सेट द लॉस उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल वाटर पे, ठीक है. याद रखिएगा, यहां पर फॉरेन वेसल्स भी आ सकते हैं, बट उनको परमिशन लेनी पड़ेगी. किससे? उस कंट्री से जिस कंट्री के आप टेरिटोरियल वाटर में एंटर कर रहे हो, ठीक है. तो यू हैव टू टेक द परमिशन, विदाउट परमिशन आप एंटर नहीं कर सकते, ठीक है. तो थर्ड था, दैट इज कंटिगियस जोन, ठीक है. ये क्या था, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक, याद रखिएगा, उसे अपन क्या कहते हैं, कंटिगियस जोन. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था. यहां पर क्या, यहां पर भी कंट्री कैन मेक लॉ, ठीक है. कंट्री यहां पर भी लॉ बना सकती, बट ओनली ऑन 4 एरियाज. याद रखिए, टेरिटोरियल में सेट टू फ्री लॉ, यहां पर सिर्फ 4 एरियाज में ही लॉ बना सकती है, ठीक है. वो 4 एरिया कौन से हैं, पोल्यूशन, टैक्सेशन, कस्टम एंड इमिग्रेशन. तो याद रखिएगा, ये 4 एरियाज में कंट्री इस पर्टिकुलर एरिया में लॉ बना सकती है, ठीक है. जो लास्ट है अपना, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड. ये कितना होता है, बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक, याद रखिएगा, उसको अपन क्या कहते हैं, ईईजेड, ठीक है. अब खास बात यहां पर ये है, यहां पर जिस कंट्री का ईईजेड होगा उस कंट्री को यहां पर क्या राइट्स मिले हैं, उसको ये राइट्स मिले हैं कि वो सोल याद रखिएगा एक्सप्लॉयटेशन कर सकती है. एक्सप्लॉयटेशन राइट्स रहते हैं उस पर्टिकुलर 200 नॉटिकल माइल्स तक ओवर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है. तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस 200 नॉटिकल माइल्स तक हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन वो पर्टिकुलर कंट्री कर सकती है. बट इसके लिए उस कंट्री को परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है. तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इस पे अराउंड 30-40 वर्ड्स लिख के बताइए, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है, ठीक है. तो यहां पर अपना ये टॉपिक खत्म होता है मैरिटाइम बाउंड्रीज, जो हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था, ठीक है. यहां पर आप देख रहे हो, मैंने नीचे एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है. ये डायग्राम है एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है. तो ये बेसिक मैंने बना रखा है. देखिए, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ए बी और सी. अपन तीन पार्ट डिवाइड कर देते हैं. तो जम्मू एंड कश्मीर का जो ईस्टवर्ड साइड है, दैट इज बी पार्ट, इसको अपन कहते हैं अक्साई चीन. याद रखिएगा, इसको चाइना ने कैप्चर कर रखा है. सी इंडिया का पार्ट है, और जो वेस्ट साइड वाला पार्ट है कश्मीर का, ठीक है, उसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है. इसलिए अपन इसको कहते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है. और ये जो लाइन है पीओके और इंडिया के बीच में, इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी. और जो लाइन है अक्साई चीन और इंडिया के बीच में, उसे कहते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो याद रखिएगा, एलओसी और एलएसी में डिफरेंस, ठीक है. क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि अब अपन स्टार्ट करने हैं अपना फ्रंटियर ऑफ इंडिया, दैट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है. देखिए, इसमें बेसिक याद रखिएगा, इंडिया जो है, ठीक है, दैट इज साउथ एशिया कंट्री पे लाई करती है. ध्यान रखिए, इंडिया लाइज इन साउथ एशिया पार्ट, ठीक है. और लार्जेस्ट इन साउथ एशिया, मतलब साउथ एशिया में सबसे लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है, इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो एंड पॉपुलेशन ऑल्सो, ठीक है. तो ये बेसिक फैक्ट्स अपन डिस्कस करें, आपको याद रखना है. इंडिया कितनी कंट्रीज को टच करती है, याद रखिए, फ्रंटियर कितनी कंट्री से बनाती है, तो आंसर इज 7 नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया का, ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंडिया का जो फ्रंटियर है, ठीक है, जो
कंट्रीज टच करती हैं, 7 कंट्रीज, उनके नाम हो सकता है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाए कि अरेंज करो सबसे ज्यादा किससे टच करता है, उससे कम ये भी पूछा सकता है। प्लस ये भी पूछा सकता है इंडिया को जो भी ऐसे पाकिस्तान टच करती है तो कितने स्टेट्स को इंडिया के टच करती है। तो मैंने क्या फोन नंबर लिखा, देखिए 555441, ये ट्रिक है याद करने की, 555441। कैसे, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, सबसे ज्यादा जो किलोमीटर टच करती है उससे कम की ओर बढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंडिया को जो टच करता है वो है बांग्लादेश, कितने किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, ठीक है। कितने स्टेट्स को टच करती है इंडिया के, 5 स्टेट्स को, वो 5 स्टेट्स के नाम आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। मैंने कहा था एटलस लेके हमेशा बैठिएगा, एटलस आप ओपन करिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, याद रखिएगा, ठीक है। और किलोमीटर कितना है, 4096 किलोमीटर। सेकेंड कंट्री जिसको इंडिया टच करती वो है चाइना, ये कितने किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। जो स्टेट्स को टच करते हैं वो है 5 स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को कितना टच करती है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। 4 स्टेट्स को टच करती है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है नेपाल, कितने किलोमीटर, दैट इज 1751 किलोमीटर, ठीक है। 5 स्टेट्स को टच करती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, तो आप देख रहे होंगे एटलस में 5 स्टेट्स दिख रहे होंगे आपको। नेक्स्ट जो है वो है म्यांमार, 1643 किलोमीटर को टच करता है, कौन कौन से स्टेट्स को, अगेन 4 स्टेट्स, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। 6 स्टेट दैट इज भूटान, कितने किलोमीटर है, 699 किलोमीटर, देख रहे हैं आप किलोमीटर्स कम होते जा रहे हैं। इसमें 4 स्टेट्स को टच करता है, दैट इज सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और जो लास्ट वन इज अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, इसको टच करता है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, और वो भी जम्मू एंड कश्मीर का पीओके पार्ट, दैट इज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो अपन कहते हैं पीओके इंडिया का ही पार्ट है ऑफ कोर्स, तो अफगानिस्तान के एक कंट्री को टच, एक स्टेट को टच करता है। तो आप देख रहे होंगे 3 5 लिखे हैं मैंने, 3 4 लिखे और 1 लिखा है, तो 555441, तो ये याद करने की ट्रिक है। तो आप याद रखिए कौन से स्टेट्स हैं, ये भी पूछा जाता है ना। और मैंने आपको किलोमीटर्स भी बता दिया है, तो अरेंज भी कर सकते हैं, सबसे ऊपर बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी अरेंज करने को आ सकता है, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है, जैसे मैंने आपको टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की बताई थी, याद होगी आपको कितनी कोस्ट लाइन बताई थी, 7500 समथिंग, ठीक है। वैसे आपको इंडिया की लैंड फ्रंटियर की किलोमीटर्स बताने हैं मुझे, ठीक है, वो मैंने यहां पर नहीं लिखा है, कुछ 15,000 है, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, 15,000 कुछ किलोमीटर है, आपको एग्जैक्ट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इंडिया का लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर का है, मतलब अगर हम सबको ऐड कर दें तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो जनरल इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में मुझे देना है वो याद रखिएगा बॉर्डर लाइंस के बारे में बताना है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन, ये रेड क्लिफ लाइन क्या होती है मैं आपको बता दूं, याद रखिए रेड क्लिफ लाइन किस किस कंट्रीज के बीच में है, याद रखिएगा दैट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ। अब आप कहेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को हम रेड क्लिफ लाइन क्यों कह रहे हैं, रेड क्लिफ लाइन इसलिए कह रहे हैं याद रखिएगा क्योंकि पहले आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान बना था उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, तो आज बांग्लादेश तो बन गया, उस लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इसको कब डिसाइड किया गया था, 1947 में, तो आपको याद रखना रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है, मतलब इंडिया एंड विद टू कंट्रीज। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन, ठीक है, अभी तो मैंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको बताया, याद होगा जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसे ही चाइना को टच कर रहा है अरुणाचल प्रदेश से भी, तो उस बाउंड्री को अपन जो ध्यान रखिए बाउंड्री है उसको बॉर्डर है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये इंडिया और चाइना के बीच में है, याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो बॉर्डर उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, ये बनी थी 1914 में, इसको जरूर नोट डाउन करिए। नेक्स्ट है दुरंद लाइन, ये पूछा जाता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, ये कब बनी थी 1896 में, तो इसमें ट्रिकी जो है रेड क्लिफ है, जनरली लोग सिर्फ इंडिया पाकिस्तान लगाते हैं, इंडिया बांग्लादेश भूल जाते हैं, वो आपको याद रखना है। और लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है रिलेटेड टू व्हाट, जनरल इंट्रोडक्शन, उसके हम इंडियन ज्योग्राफी का अपना फिजियोग्राफी है वो सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखा जाए तो एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, और कितनी यूनियन टेरेटरीज हैं, 7 यूनियन टेरेटरीज हैं। सबसे पहले आज आपका काम है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे 29 स्टेट्स के नाम
और उनकी कैपिटल्स लिखेंगे, प्लस यूनियन टेरिटरीज, 7 यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी कैपिटल्स आप मुझे जरूर लिख के बताएं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहां लाई करता है, और खास इन 29 स्टेट्स में आपको वो 7 स्टेट्स को सर्कल करना है जिनको अपन 7 सिस्टर्स कहते हैं, याद रखिएगा उन 7 सिस्टर्स को आपको सर्कल करना है ना। और जरूर इसको कमेंट पे आप लिखेंगे, इट वुड बी गुड फॉर मी, ठीक है, गुड फॉर यू ऑल्सो एंड मी ऑल्सो, कि मैं आपको चेक करूंगा उस चीज को, ठीक है। तो एरिया वाइज अगर बात करें इंडिया में, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा स्टेट जो है वो है राजस्थान, ठीक है। सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। थर्ड पे है महाराष्ट्र, फोर्थ पे है उत्तर प्रदेश। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है ना। यूपीएससी ने पूछा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, इस साल पूछा सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के अकॉर्डिंग अरेंज करो, ये सब अपन आगे डिस्कस करेंगे अपने वेजिटेशन में, बट स्टिल आपको बेसिक वाला फैक्ट तो पता होना, एरिया वाइज तो पता होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट नहीं पता होगा परसेंटेज के टर्म्स में, उसको हम डिस्कस कर लेंगे, बट यहां पर आप एरिया वाइज आप याद रखिए, ठीक है। सबसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी, और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आंसर वुड बी व्हाट, याद रखिएगा गोवा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा स्टेट में, ठीक है, अगर सॉरी यहां पे मैंने एक चीज गलत बता दी है, जो स्मॉलेस्ट स्टेट है ना अकॉर्डिंग टू, अगर एरिया बोले सही है, सॉरी सही है गोवा ही है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में से लिखना है स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। और दूसरा आपको बताना है स्मॉलेस्ट स्टेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, याद रखिएगा एरिया, तो वो तो मैंने आई थिंक बताई दिया गोवा, तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मुझे बस पॉपुलेशन वाला बता दीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन सा है, और सबसे बड़ा स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन आई थिंक मैक्सिमम पीपल नो दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब आप यूनियन टेरेटरीज के नाम लिखेंगे, 7 यूनियन टेरेटरी में बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन टेरेटरी है जिसका नाम है पुदुचेरी, पहले पौंडीचेरी कहते थे, अब उसे पुदुचेरी कहते हैं। इस पुदुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखिएगा, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है 3 अलग अलग स्टेट्स में है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब पुदुचेरी सिर्फ एक स्टेट में नहीं है, 3 स्टेट्स में है, क्योंकि पुदुचेरी के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके एक डिस्ट्रिक्ट खुद पुदुचेरी है, एक है यानम, एक है कराईकल और एक है माही, इनको आप देख लीजिए मैच द फॉलोइंग आ सकता है। तो जो पुदुचेरी है वो तो तमिलनाडु पे है, ठीक है, यानम जो है वो आंध्र प्रदेश पे, याद रखिएगा, ठीक है, जो कराईकल है वो भी तमिलनाडु पे है, और जो माहे है वो है केरल पे, तो आप देख सकते हैं 3 स्टेट है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरल। तो लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में मैच करना है, तो ये एक आइडिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है एक बहुत बेसिक सा फैक्ट है, मैंने बताया था आपको, इंडिया अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वी आर सेकंड, है ना, फर्स्ट इज चाइना। तो एरिया के हिसाब से अगर इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो फर्स्ट कंट्री कौन है जो सबसे बड़ी है, दैट इज रशिया, सेकेंड कैनेडा, थर्ड क्या है यूएसए। ये अरेंज करने को ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, अगर आप 2001 का क्वेश्चन देखेंगे ये ऑलरेडी आ चुका है। फोर्थ वन इज चाइना, फिफ्थ इज ब्राजील, सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ इज इंडिया, और इन टर्म्स ऑफ एरिया एट्थ वन इज अर्जेंटीना, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के टर्म में चाइना फर्स्ट है, इंडिया इज रैंक सेकेंड। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में रैंक थर्ड और रैंक फोर्थ बताइए कि पॉपुलेशन के टर्म्स में रैंक थर्ड और रैंक फोर्थ कौन सी कंट्री लाई करती है, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया की अगर मैंने आपको याद होगा डिस्कस किया था, अगर वर्ल्ड का टोटल एरिया कवर करें तो इंडिया 2.4% टोटल एरिया वर्ल्ड का इंडिया है, ठीक है। तो कितना है मैं बता दूं, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो आपको याद रखना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर की बात करें, देखिए रिवर्स वगैरह तो हम आगे डील करेंगे, बट स्टिल एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे सबसे बड़ी रिवर दैट इज रिवर गंगा, याद रखिएगा 2510 किलोमीटर, ठीक है। इनके बारे में और डिस्कशन है आगे बहुत कुछ, अभी तो जस्ट बेसिक याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक पूछा है आपसे, तो आंसर वुड बी K2, याद रखिए गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं इसे। ये कहां पर है, ये POK में है वैसे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पर मैंने आपको बताया POK इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, वी कंसीडर इट अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक इसी को कहेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस स्टेट की लगती है, तो आंसर इज गुजरात, ये तो सबको याद होगा गुजरात है, बट सेकंड में आपसे पूछूं तो आप बता पाएंगे, देखिए यहीं पर कंफ्यूजन है, तो अरेंज करने को आ सकता है, तो सेकंड इज याद रखिएगा तमिलनाडु, लोग महाराष्ट्र लगा देते हैं, सेकंड इज तमिलनाडु, थर्ड इज आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ वन इज महाराष्ट्र, ठीक है। याद रखिए कोस्ट लाइन में सबसे ज्यादा गुजरात है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ लोग भूलते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर
साउथ गंगा की बात करें तो जो इंडिया की सदर्न मोस्ट रिवर है, जो पेनिनसुलर रिवर है, जो सबसे बड़ी रिवर है, सबको पता है दैट इज गोदावरी। तो याद रखिए साउथ गंगा हम गोदावरी को कहते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट अगर पूछे हाईएस्ट डैम कौन सा है, वैसे मैं बहुत सारे डैम्स आगे डिस्कस करने वाला हूँ अपने टॉपिक्स में, बट स्टिल हाईएस्ट डैम आपसे पूछे तो आंसर भी टेहरी डैम है ना। और ये डैम जो है भागीरथी रिवर पर है, दैट इज इन उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है बेसिक फैक्ट में सबसे बड़ा डैम है टेहरी डैम, ठीक है। अगर कुछ लॉन्गेस्ट डैम है, अराउंड 4.2 किलोमीटर का है, लॉन्गेस्ट डैम सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो आंसर वुड बी हीराकुंड डैम, ठीक है। और ये डैम कहां पर है, ये डैम उड़ीसा में है, किस रिवर में, याद रखिएगा महानदी रिवर में। इट्स गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट रिवर्स में टॉपिक में आएगा ये महानदी रिवर, ठीक है। और अगर सबसे हाईएस्ट आपसे पूछा है वाटरफॉल कौन सा है इंडिया का, तो याद रखिएगा दैट इज कुंचिकल वाटरफॉल है ना। तो याद है कुंचिकल वाटरफॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल, लोग फॉग लगा देते हैं, ठीक है, फॉग वाटरफॉल जो है वो है, लेकिन वो नहीं है, कुंचिकल वाटरफॉल है। याद रखिएगा ये जो है कर्नाटका में है, वराही रिवर पर है। किस रिवर पर है, वराही रिवर पर है, तो इसको आपको याद रखना है। और लास्ट जो आज अपना जनरल इंट्रोडक्शन टॉपिक है, वेटेस्ट प्लेस, ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, सबने सुना है दैट इज मेघालय। मेघालय में एक जगह है मौसमराम, ठीक है, तो मौसमराम याद रखिएगा, मेघालय इज अ वेटेस्ट प्लेस, ठीक है। और याद रखिएगा यहां पर आप मेघालय अगर आप पढ़ेंगे जब अपन, तो वहां पर अपन हिल्स पढ़ेंगे, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, बहुत फेमस हिल्स हैं। तो ये जो मौसमराम है याद रखिए खासी हिल्स में पड़ता है, इट लाइज एट द खासी हिल्स, ठीक है। तो ये अपना जो आज मैंने आपको बताया है, इट इज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। अपन ने सारे स्टेट्स में आपको ऑलरेडी होमवर्क दे दिए हैं, यूनियन टेरिटरीज होमवर्क दे दिया है, और कुछ अपने लास्ट लेक्चर में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया और कुछ आज चीजें डिस्कस की है, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन अपना इंडिया के बारे में कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अगला चैप्टर जो हमारा है जनरल इंट्रोडक्शन के बाद, वो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, देखिए कमेंट जरूर करते रहें, आप मेरे क्वेश्चन का कमेंट करेंगे तो हम वीडियोज को और स्पीड अप में जल्दी कंप्लीट करेंगे, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। और आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, ठीक है, तो आप दिए गए नीचे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, यू कैन ऑर्डर द नोट्स। थैंक यू।